हेलो बच्चों, तो आज बहुत एक्साइटेड होंगे आप लोग क्योंकि आज एक नया चैप्टर शुरू करना है। टेंथ टेंथ क्लास का साइंस का सेकंड चैप्टर, एसिड बेस एंड सॉल्ट, अम्ल क्षार और लवण। तो प्यारे बच्चों, ये चैप्टर पढ़ाने के लिए मैं भी एक्साइटेड बहुत हूँ क्योंकि मुझे इस चैप्टर की एक अच्छी बात ये लगती है कि इसके अंदर बहुत सारे कंसेप्ट एंड और फैक्ट सही से भर भर कर है। ठीक है, आप कंसेप्ट भी सीखेंगे, फैक्ट भी सीखेंगे। बड़ा मजेदार चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो इस वजह से मैं भी एक्साइटेड हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी होंगे। ठीक है, और इस चैप्टर को आज हम शुरू करेंगे और इसके अंदर हम कई सारी नई नई बातें जानेंगे जिसकी वजह से हमें पता चलेगा कि आखिरकार भाई क्या नई चीज हम इसके अंदर पढ़ने जा रहे हैं। पढ़ने को ये आपने सेवंथ में या एट्थ में भी पढ़ा होगा, ठीक है, थोड़ा बहुत शायद नाइन्थ में भी पढ़ा होगा, लेकिन टेंथ में इसकी अच्छे से जानकारी हासिल करेंगे और फिर इसी के बारे में और डिटेलिंग धीरे 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 हम लोग करके पूरा चैप्टर खत्म करेंगे और पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है, नाम है चैप्टर का एसिड बेस एंड सॉल्ट, हिंदी में अम्ल क्षार और लवण। मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर में एक है ये। ठीक है, और जैसा कि आपको पता है, यहाँ पे तीन नाम लिखे हैं, तो इसका मतलब ये तीन अलग अलग कैटेगरी है और इन तीनों की अपनी अपनी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, कुछ गुण, इनके गुणधर्म हैं, और उन गुणधर्मों से, उन प्रॉपर्टीज से ये कुछ नई चीजें आप लोगों को सिखाएंगे कि आपके रेगुलर लाइफ में ये कैसे पार्टिसिपेट करते हैं, आपको किस तरीके से इफेक्ट करते हैं, आप इनका क्या क्या यूज करते हैं, ये सब कुछ हम सीखेंगे। तो एक एक करके हम इसके बारे में जानना शुरू करेंगे। एसिड कौन है, बेस कौन है, सॉल्ट कौन है, अम्ल कौन है, लवण कौन है, क्षार कौन है, ये हम बाद में जानेंगे। उससे पहले आपको ये पता चलना चाहिए कि इसको पहचानते कैसे हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों, अगर आप जब किसी चीज को पहचान ही नहीं पाओगे तो आप उसमें फर्क कैसे करोगे। ठीक है, अब मैं अगर कह दूं कि भाई आपके पास तीन टेस्ट ट्यूब हैं, तीन टेस्ट ट्यूब हैं ए बी सी, और आपसे कह दिया जाए कि भाई इसमें कोई प्रोडक्ट है, इसमें कोई प्रोडक्ट है, इसमें कोई प्रोडक्ट है, और बताओ कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है, कौन सा सॉल्ट है, तो अरे बच्चे, आपको पता तो चलना चाहिए ना कैसे है। और एक बात बता रहा हूं, इस टाइप का एक क्वेश्चन एग्जाम में आया भी था। ठीक है, और फिर बच्चे बहुत परेशान हुए थे उस दिन। तो बच्चों, जैसा कि मैंने बताया कि ये क्वेश्चन एक बार आया हुआ है, लेकिन अभी इसको हम थोड़ा सा डिले करके सीखेंगे। क्यों? क्योंकि अभी पहले मैं आपको पूरे इंडिकेटर पढ़ा दूं, उसके बाद इस क्वेश्चन को मैं अभी करवाऊंगा। अभी बस मैंने ये बता दिया कि आपके लिए एक ऐसा क्वेश्चन जरूर बनाया जाएगा कि जी आपके पास तीन टेस्ट ट्यूब हैं, उसमें एसिड बेस और सॉल्ट है, पहचानो कि भाई कौन एसिड है, कौन बेस है, कौन सॉल्ट है। तो इसको मैं दोबारा कराऊंगा, अभी ये मैं सोचना कि मैं इसको छुड़वा रहा हूं, दोबारा करवाऊंगा। जैसे इंडिकेटर खत्म होगा वापस इसी पे आऊंगा मैं। ठीक है, तो चलिए, तो अब हम सबसे पहले टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स हिंदी में सूचक। बच्चों क्या होते हैं इंडिकेटर्स? तो देखो, इंडिकेटर्स वो होते हैं जो ये हमें पहचान करके बताते हैं कि कौन एसिड है, कौन बेस है, कौन सॉल्ट है। ये पहचान करके बताते हैं, कौन? इंडिकेटर्स, हिंदी में सूचक। सूचक हमें बताते हैं, सूचना देते हैं। सूचक का मतलब ये हुआ कि सूचक वो होते हैं जो हमें सूचना देते हैं कि प्यारे बच्चों, ये आपके लिए एसिड का काम कर रहा है, ये आपके लिए बेस का, ये आपके लिए सॉल्ट का या लवण का, इस तरीके से। ठीक है बच्चों, तो इसी को कहा जाता है इंडिकेटर्स। अब इंडिकेटर्स हमें पढ़ने कितने हैं तो वो भी देखो। पहला पढ़ना है हमें रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर, हिंदी में लाल और नीला लिटमस पेपर या पत्र। ठीक है, दूसरा क्या पढ़ना है हमें बच्चों? मिथाइल ऑरेंज, हिंदी में भी मिथाइल ऑरेंज कहते हैं, कहीं मिथाइल संतरी बोल दो, मिथाइल ऑरेंज। ठीक है, थर्ड क्या है? फिनोल फैथेलीन,
फेनोलफेथेलीन। चौथा क्या है? चौथा है, चौथा 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 क्या है भाई? मिथाइल ऑरेंज हो गया, फिनोलफेथिलीन हो गया, और क्या होगा? पीएच पेपर, पीएच पेपर। ठीक है जी, क्या है? पीएच पेपर। और क्या होता है बच्चों? पीएच पेपर के अलावा और क्या होता है? एक होता है बच्चों ऑल्फैक्ट्री इंडिकेटर, ऑल्फैक्ट्री इंडिकेटर, हिंदी में कहते हैं इसको घ्राण सूचक। ठीक है, घ्राण सूचक। अब ये पांचों आप लोग उतार लीजिए, किसको कब पढ़ना है वो मैं बताऊंगा। जैसे अभी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ तो मैं अभी पढ़ाऊंगा, फिफ्थ टॉपिक मैं बेस होने के बाद करवाऊंगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि तब ये और अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, तो ये चार टॉपिक तो मैं अभी हाथों हाथ पढ़ाऊंगा आपको, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और क्या है भाई? फिफ्थ। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फिफ्थ। तो इस तरीके से हम लोग इसे पता लगाएंगे। ठीक है, चलिए तो शुरू करें, शुरू करें। चलो तो यहां पहले इसको नोट कर लो, वीडियो पॉज करके नोट कर लो। कर लिया? चलो अब देखो फटाफट। हाँ जी, क्या सीखने जा रहे हैं? लाल और नीला लिटमस पेपर। अब देखो लाल और नीला का मतलब मैं यहां पहले ही बता दूं, लाल लिटमस पेपर अलग होते हैं, नीले लिटमस पेपर अलग होते हैं। सबसे पहले आपको एक बात मैं जो समझाने वाला हूं वो पहले समझिए आप। इधर एसिड मतलब अम्ल और बेस मतलब क्षार। पहले तो आपको जो मैं समझाना चाह रहा हूं पहले उसको ध्यान से समझना बच्चों। सबसे पहली बात, आपको कुछ चीजें मान के चलनी पड़ेगी। एक्चुअली में वैसा होता है नहीं, लेकिन आपको मान के चलना है। वो मानना क्यों है? ताकि आपको चैप्टर से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? जैसे अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों आपसे एसिड की, किसकी बात करूं? एसिड की। तो एक क्लियर सी बात अपने दिमाग में डाल लो कि जितने भी एसिड होते हैं ना वो लाल कलर के होते हैं। जितने भी एसिड होते हैं वो सारे के सारे लाल कलर के होते हैं, ये मान के चलो। वैसे होता नहीं है कभी, कोई लाल कलर का एसिड होता ही नहीं है। अब एक बार बताओ, असल में तो नींबू भी एसिड है, लेकिन क्या नींबू लाल कलर का है? नहीं। लेकिन जब आप उसको किस पे भाई, आप किसी मतलब उस पे हल्दी लगा दो तो वो लाल कलर का हो जाता है। देखा है आपने? आप अगर उस पे हल्दी लगा दो, कॉलगेट लगा दो, तो देखना वो लाल कलर का हो जाएगा। ठीक है, तो इसके पीछे क्या रीजन है वो अभी हम थोड़ी देर में बात करेंगे। लेकिन आपको बस अपनी तरफ से मान के चलना है कि एसिड हमेशा कैसे रंग को देता, कैसे रंग को शो करता है? रेड कलर को शो करता है। ये अपनी तरफ से मान के चलना है। ठीक है, अभी इसको धीरे धीरे मैं और इंप्रूव करता चला जाऊंगा, क्योंकि साइंस में शुरुआत बिल्कुल बेसिक से की जाती है और धीरे 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 फिर उसको इंप्रूव की जाती है। ठीक है, असल में हमें भी पता है कि एसिड कभी लाल होता ही नहीं है, लेकिन ये लाल क्या दिखाता है? वो शो ऑफ करता है, अपने रंग को दिखाता है कि यार मेरा रंग ना लाल ही है। ठीक है, अगर ये किसी से रिएक्शन कर लेगा तो लाल ही दिखाएगा। तो इस वजह से हम अपनी तरफ से ये मान के चलेंगे कि ये लाल कलर का होता है, एक्चुअल में नहीं होता, मान के चलेंगे। मेरे शब्दों को बहुत अच्छे से सुन के चलना, कहीं ऐसे बोलोगे आप नहीं बोला था। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट, जितने भी बेस होते हैं, जितने भी बेस होते हैं उसको हमें मान के चलना है कि ये ब्लू कलर के होते हैं। कैसे होते हैं? ब्लू कलर के होते हैं, ये मान के चलना है हमें। ठीक है, एसिड कैसे कलर के होते हैं? रेड कलर के। और बेस कैसे कलर के होते हैं? ब्लू कलर के। ये मान के चलना है हमें। क्यों मान के चलना है? अभी दिमाग देखना, हाथों हाथ क्लियर हो जाएगा अभी। ठीक है, ये हम अपनी सुविधा के लिए मान रहे हैं ताकि हम लोगों को पेपर के टाइम पे दिक्कतें ना हो, क्योंकि भाई हम काम तो अपनी सुविधा के अनुसार करेंगे ना, किसी और के लिए तो कर नहीं रहे, अपने लिए कर रहे हैं। चलिए तो अब मान लीजिए, मान लीजिए मैं एक रेड लिटमस पेपर ले लेता हूं, रेड लिटमस पेपर, हिंदी में लाल लिटमस पेपर ले लेता हूं। ठीक है, अच्छा अब क्या किया मैंने? अब एक तरफ मैंने भाई क्या किया, एक तरफ मैंने एसिड गिराया, ये मैंने यहां पे क्या गिरा दिया? एसिड, बोले तो अम्ल। और एक तरफ मैंने बेस गिराया, बोले तो क्षार। ठीक है, एक तरफ मैंने एसिड गिराया, एक तरफ मैंने बेस गिराया। अब बात आती है कि बताओ रेड लिटमस पेपर का रंग कौन चेंज कर देगा? लाल लिटमस पेपर का रंग, रेड लिटमस पेपर का कलर कौन चेंज करेगा? एसिड करेगा या बेस करेगा? आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया, ध्यान से सुनिएगा। आपके पास एक रेड लिटमस पेपर है,
आपके पास एक लाल लिटमस पत्र है। एक तरफ हमने उस पे एसिड गिराया, अम्ल गिराया, दूसरी तरफ हमने उस पे बेस गिराया, क्षार गिराया। तो जल्दी बताइए कि कौन इसका रंग चेंज कर देगा, किसका? लाल लिटमस पेपर का। एसिड चेंज करेगा या बेस? अब कुछ बच्चों के दिमाग में एसिड चल रहा होगा, कुछ बच्चों के दिमाग में बेस चल रहा होगा, ठीक है? तो कुछ सही भी होंगे तो कुछ गलत भी होंगे। कुछ बच्चों के दिमाग में कुछ भी नहीं चल रहा होगा, पबजी चल रही होगी, ठीक है, टिकटॉक भी चल रहा होगा कुछ के तो, ठीक। तो भाई अगर उस दुनिया से बाहर आ गए हो तो अब देखो, यहां एक बात बताओ, एसिड रंग, अगर जो बच्चे सोच रहे एसिड चेंज करेगा तो वो क्यों गलत है? भाई एसिड रंग चेंज नहीं करेगा। मैं जो अगर आंसर दे रहा हूं आपको, एसिड रंग चेंज नहीं करेगा। क्यों? रीजन, पेपर कैसे रंग का है? लाल रंग का है। जो लिटमस पेपर है वो कैसे रंग का है? लाल रंग का है। जब भाई पेपर लाल है और एसिड का कलर भी मैंने कैसा एज्यूम करने के लिए बोला? लाल। भाई एसिड का कलर भी कैसा एज्यूम करने के लिए बोला? लाल। और पेपर भी कैसा है? लाल। तो क्या मैं कहूंगा लाल प्लस लाल और लाल, सुनहरा लाल है भाई, ये कोई लाल होता है क्या है ये? या ये बोल दू हल्दीराम का तीखा लाल, ऐसा कुछ? तो ऐसा नहीं होता, ठीक है, कश्मीरी लाल। तो भाई ऐसा कोई लाल नहीं होता लाल। तो भाई लाल सब तो हमारे लिए क्या होगा भाई कि लाल मतलब भाई रेड। अब वो चाहे हल्का रेड हो, बहुत ज्यादा रेड हो, ब्लडी रेड हो, ठीक है, ये हमने अपनी तरफ से रेड बना लिए। बाकी साइंस की नजर में तो भाई रेड रेड ही होता है। साइंस की नजर में रेड क्या होता है? रेड ही होता है। तो आप ऐसा कभी नहीं कह सकते कि लाल लिटमस पेपर पे एसिड गिराओगे तो नया रंग आएगा और लाल, तो ये बहुत गंदा लाल है, ये हटा दो अपनी नजर से, ठीक है। तो भाई कभी भी लाल लिटमस पेपर का कलर कौन चेंज नहीं करेगा? एसिड चेंज नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि लाल प्लस लाल कभी भी और लाल नहीं होता, ठीक है जी। चलिए तो अब क्या आता है? तो भाई जब एसिड चेंज नहीं करेगा तो सीधी बात है ऑप्शन बचा किसका? बेस का। तो बेस चेंज कर देगा। क्यों कर देगा? क्योंकि पेपर कैसा है? लाल। बेस कैसा है? ब्लू। तो इसका मतलब बच्चों, जब हम रेड लिटमस पेपर पे बेस गिराएंगे तो उसका कलर कैसा हो जाएगा? ब्लू कलर हो जाएगा। कैसा कलर हो जाएगा? ब्लू कलर हो जाएगा। क्या कोई परेशानी किसी को? नहीं। चलो अब मेरे को लगता है कि मेरे बच्चे बहुत आराम से जवाब दे देंगे। क्या अब की बार हमने जो लिटमस पेपर लिया है वो कैसा लिटमस पेपर है? ब्लू लिटमस पेपर है, बोले तो नीला लिटमस पत्र है, ठीक है जी। अच्छा फिर से वही बात, एक तरफ एसिड, दूसरी तरफ बेस, ये हमने इस तरफ एसिड गिराया, बोले तो अम्ल, इस तरफ बेस गिराया, बोले तो क्या भाई? क्षार। अब जल्दी बता दो। हाँ जी, अब अगर मैं बात करूं क्षार की, क्षार की, तो भाई बेस जो है कलर कैसा है इसका? ब्लू। और पेपर भी कैसा है? ब्लू। तो भाई बेस भी ब्लू और पेपर भी ब्लू, तो भाई क्या हो जाएगा? भाई नीला प्लस नीला और नीला, ये भी नहीं होता, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब बेस कलर चेंज नहीं करेगा। तो चेंज करेगा कौन? चेंज करेगा एसिड। चेंज करेगा एसिड। कैसे चेंज करेगा? क्योंकि बच्चों ये पेपर कैसा है? नीला। और एसिड कैसा है? रेड। तो यानी नीले के ऊपर रेड जो है हमें शो होता हुआ दिखाई देगा, तो कलर रेड हो जाएगा। तो बस अब ध्यान रखिए, अब आपको क्या बोलना है कि भाई लाल लिटमस पेपर का कलर कौन चेंज करेगा? बेस। कैसा कर देगा? ब्लू। भाई ब्लू लिटमस पेपर का, नीले लिटमस पेपर का कलर कौन चेंज करेगा? एसिड। कैसा कर देगा? रेड। तो ये आपका ऑप्शन हो गया। पल्ले पड़ गई बात, क्लियर हो गया सभी को? चलो फटाफट इसको वीडियो पॉज करो, नोट करो, नेक्स्ट पढ़ाता हूं इसके बाद। वीडियो पॉज करके उतार लिया। चलिए ये सारी प्रॉपर्टी लिखवाई जाएंगी, टेंशन मत लो, ठीक है। लाइन वाइन छोड़ने की जरूरत नहीं है। हाँ भाई, अच्छा सेकंड इंडिकेटर कौन था भाई, जल्दी बता दो। सेकंड इंडिकेटर कौन सा था? सेकंड इंडिकेटर था आपका, सेकंड इंडिकेटर था आपका मिथाइल ऑरेंज। क्या था? मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज, ठीक है। अब मिथाइल ऑरेंज इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि मिथाइल से बना है। मिथाइल क्या होता है फोर्थ चैप्टर में पढ़ेंगे, और ऑरेंज इसलिए क्योंकि इसका कलर ऑरेंज होता है, ठीक है। अब देखो, मान लीजिए मैंने दो ऐसे
प्लेट टाइप की ले ली, ठीक है, और मैंने ये इसमें मिथाइल ऑरेंज डाल दिया। दो प्लेट लिए मैंने, प्लेट ए प्लेट बी, और दोनों में मैंने क्या डाल दिया है, मिथाइल ऑरेंज डाल दिया है। ठीक है भाई, ये कौन है, ये कौन है, ये है मिथाइल ऑरेंज। अच्छा इंग्लिश में भाई मिथाइल ऑरेंज है तो हिंदी में भी मिथाइल ऑरेंज है, ठीक है, कहीं से मिथाइल संतरी बोल दो, मिथाइल नारंगी बोल दो, तो ये उल्टे सीधे नाम मत बोल देना, ठीक है। अच्छा अब बात आती है, ये ए प्लेट है, ये बी प्लेट है, दोनों में क्या डाला हुआ है, मिथाइल ऑरेंज। अब हमने किसी एक में एसिड डाला है, किसी एक में बेस, ठीक है, किसी एक में एसिड डाला है, किसी एक में बेस। अब ये पहचान करके बताओ कि किसमें एसिड है और किसमें बेस है। तो बस सिंपल बच्चों ध्यान रखना, अगर मिथाइल ऑरेंज के अंदर एसिड डाला जाएगा तो वह बदले में कैसा रंग देगा, जल्दी बता दो, बदले में कैसा रंग देगा, सीधी सी बात है, रेड देगा। ठीक है भाई, कि अगर भाई मिथाइल ऑरेंज में एसिड डाल दिया जाए, क्या डाल दिया जाए, एसिड डाल दिया जाए, तो वो कैसा रंग हो जाएगा, रेड। तो इसका मतलब मिथाइल ऑरेंज एसिड के साथ कैसा रंग देता है, रेड कलर देता है, मतलब अम्ल जो है, अम्ल जो है मिथाइल ऑरेंज के साथ रंग कैसा देता है, ब्लू, सॉरी रेड। जबकि जबकि बेस, जबकि बेस शार मिथाइल ऑरेंज के साथ कैसा रंग देता है, अब फटाक से बच्चे ब्लू बोल रहे होंगे, मोस्टली बच्चों ने बोल दिया होगा, लेकिन नहीं, यहाँ पे ये कलर देता है येल्लो। ठीक है, सबकी अपनी अपनी प्रॉपर्टी होती है, ये थोड़ी जहां मर्जी कुछ भी कर देंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना बच्चों कि एसिड मिथाइल ऑरेंज के साथ रेड कलर देता है, लेकिन बेस मिथाइल ऑरेंज के साथ कैसा कलर देता है, येल्लो कलर देता है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, तो फटाफट इसको भी नोट करो, फिर एक और पढ़ाता हूं, करो नोट इसको, कर लिया, ठीक, चलो आगे देखो। ठीक है, अगला देखो, फिनोफेथिलीन, फिनोलफेथिलीन, फिनोलफेथिलीन, ठीक है, फिनोलफेथिलीन, ठीक है जी, ये है भाई। मैंने दो टेस्ट ट्यूब लिए, मैंने दो टेस्ट ट्यूब लिए, टेस्ट ट्यूब ए टेस्ट ट्यूब बी, ठीक है, एक में एसिड है एक में बेस है। अब है किसमें एसिड है किसमें बेस मुझे नहीं पता, दोनों में से किसमें एसिड है किसमें बेस है मुझे नहीं पता। ठीक है, अब आपको क्या कहा गया कि भाई एक काम करो, मेरे से ना फिनोल फैथेलिन ले लो, क्या ले लो, मुझसे फिनोल फैथेलिन ले लो, ठीक, और बताओ कि भाई कौन एसिड है कौन बेस है। तो देखो आपको दो टेस्ट ट्यूब दिए गए जिसमें एक में एसिड होगा एक में बेस होगा, और आपको एक अलग से क्या चीज दे दी गई, फिनोल फैथेलिन, फिनोल फैथेलिन दे दी गई, ठीक है, और कह रहा पता, अब हमें पता लगा के बताओ कि एसिड किसमें है और बेस किसमें है। तो आपने कहा ठीक है भाई, इसमें क्या है, बहुत आराम से कर लेंगे हम। तो आपने क्या किया भाई, यहां पे ड्रॉपर लिया, ठीक है, और ड्रॉपर से आपने इसमें फेनोफेथलीन डाला, ये इसमें ड्रॉपर से इसमें फेनोफेथलीन है, ठीक है, उसी ड्रॉपर को यहां पर ये भी इसके अंदर भी क्या भरा हुआ है, फिनोफेथलीन भरा हुआ है, याद रखना ये कौन है, फिनोफेथलीन है ये, ठीक है, ड्रॉपर में आपने ले लिया, और ड्रॉपर याद है ना, अरे वो जन्म घुट्टी पिलाते हैं ना बच्चों को, वही वाला है ये ड्रॉपर, ठीक है, पोलियो वोलियो पिए है ना तुम लोगों ने, बस वही सेम चीज है। इसमें भी फिनोफेथिलीन डाल दिया और इसमें भी फिनोफेथिलीन डाल दिया, दोनों में फिनोफेथिलीन डाल दिया। अब हुआ क्या, अब हुआ क्या कि जब हमने दोनों में फिनोफेथिलीन डाला तो हमने क्या देखा प्यारे बच्चों, कि ए टेस्ट ट्यूब के अंदर कोई चेंज नहीं आया, नो चेंज इन कलर, रंग में कोई परिवर्तन नहीं, कोई परिवर्तन नहीं आया। तो प्यारे बच्चों जब
रंग में कोई परिवर्तन ही नहीं आया, कलर में कोई चेंज ही नहीं आया, तो इसका मतलब ये कौन है? ये बच्चों एसिड है। क्यों? क्योंकि फिनोफेथिलीन, क्योंकि फिनोफेथिलीन एसिड के साथ कभी भी कोई कलर चेंज नहीं करता। क्यों? क्योंकि फिनोफेथिलीन एसिड के साथ रिएक्शन ही नहीं करता। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि क्या फिनोफेथिलीन के साथ कौन रिएक्शन नहीं करता, कौन अभिक्रिया नहीं करता, तो आंसर क्या है? एसिड। लेकिन जब फिनोफेथिलीन को बेस में डालेंगे, ठीक है, बेस में डालेंगे, तो प्यारे बच्चों इसका कलर कैसा हो जाएगा? इसका कलर हो जाएगा पिंक। कैसा कलर हो जाएगा? पिंक कलर हो जाएगा। हिंदी में बोले तो गुलाबी कलर हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? गुलाबी कलर हो जाएगा। ध्यान रखना बच्चों कि जब हम लोग फिनोफेथिलीन को बेस में डालते हैं, किस में डालते हैं? बेस में डालते हैं, क्षार में डालते हैं, तो उसका रंग कैसा हो जाता है? गुलाबी हो जाता है। अब आप लोग थोड़ा सोच रहे होंगे कि यार ये कैसे होंगे याद होंगे, तो मैं आपको एक बात याद दिलाता हूं। आप लोगों ने खट्टा मीठा फिल्म देखी है, ठीक है, सभी बच्चों ने देखी होगी, अक्षय कुमार वाली, रोड रोलर वाली, है ना? तो उसमें क्या देखा होगा आपने कि भाई पूरी फिल्म कॉमेडी है लेकिन कहीं कहीं पे सीरियस भी है। तो अगर आपने वो रोड रोलर वाली फिल्म देखी होगी तो मैं देखो फिल्म का नाम बता रहा हूँ, खट्टा मीठा, ठीक है, आप चाहो तो, ठीक है, उस यूट्यूब पे जाके सर्च भी कर सकते हो कि उसमें क्या सर्च कर सकते हो, हाँ, कलेक्टर, आप ये सर्च करना उसमें, हाँ, कलेक्टर ब्राइव केस इन खट्टा मीठा मूवी, ठीक है, कलेक्टर ब्राइव केस इन खट्टा मीठा मूवी। तो उसमें आप क्या देखोगे कि जो अक्षय कुमार होता है ना, वो कुछ नोट लेकर आता है, पैसे लेकर आता है, नोट की गड्डी, और उस पे ना फिनोफेथिलीन के स्प्रे कर देता है। फिनोफेथिलीन जो है ना, ये जो मैं लिखवा रहा हूं, ये फिनोफेथिलीन का स्प्रे कर देता है उस पे, और फिर क्या होता है, उसको पैसे दे के चला जाता है और वहां से निकल गया, और उतने में इनकम टैक्स वाले वहां पे पहुंच जाते हैं, और इनकम टैक्स वाले बोलते हैं कि आपने रिश्वत ली है। तो कह रही क्या सबूत है? तो बोलता है कि हमने इसमें ना फिनोफेथिलीन का स्प्रे किया हुआ है, तो आप जैसे ही हाथ डुबाओगे तो पता चल जाएगा हमें। और वो सॉल्यूशन जो होता है ना, उनका बेस होता है, मतलब वो जो पानी लेकर आते हैं उस पानी में उन्होंने बेस मिला रखा होता है। क्या मिला रखा होता है? बेस मिला रखा होता है, क्षार। तो वो जो आईएएस ऑफिसर होती है ना, जो हीरोइन होती है, वो जैसे ही अपने हाथ उसके अंदर डुबाती है बेस के अंदर, वो तुरंत क्या हो जाता है? पिंक कलर का हो जाता है। किस कलर का हो जाता है? पिंक कलर का हो जाता है। तो इससे पता चलता है बच्चों कि फिनोफेथिलीन जो है वो बेस में कैसा कलर देता है? पिंक कलर देता है, गुलाबी कलर। आप प्रैक्टिकल कहां से देख सकते हो? मैंने आपको बता दिया, खट्टा मीठा मूवी है, पूरी मूवी देखो फैमिली के साथ और हंसो, और साथ ही साथ भाई थोड़े साइंस की भाषा भी समझो, ठीक है। तो जल्दी से इसको नोट कर लो, ठीक है, वीडियो पॉज करके नोट कर लो। उसके बाद अब आपको मैं ये बताता हूं, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर चौथा था ना, सॉरी पांचवा, चौथा तो मैं बाद में कराऊंगा, हाँ। तो उसमें क्या है? ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। बच्चों ऑल फैक्ट्री को हिंदी में कहते हैं घ्राण सूचक। घ्राण क्या होता है? नाक। नाक बोले तो क्या कि जब हम कुछ सूंघ के पता लगा लें कि हाँ भाई ये क्या चीज है। अब आप कभी कभी देखते हो घर में कोई अच्छा सा फूड बन रहा होता है, आप घर में एंटर करते हो, एंटर करते ही बोलते हो क्या मम्मी खीर बन रही है? कुछ बच्चे करते हैं, हाँ मुर्गा बन रहा है आज, अच्छा कह रहे बेटा मुर्गा नहीं बन रहा, तू बनेगा मुर्गा, तो ऐसे बोलते हैं ना कभी कभी। तो वो क्या है? उसी की खुशबू आ रही होती है, ठीक, डंडे में से निकल रही होती है खुशबू। तो इस तरीके से मतलब क्या है भाई, जब हम लोग को सूंघ के बता देते हैं कि हाँ जी इसके अंदर इस चीज का फ्लेवर है, तो बस वही होता है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, हिंदी में घ्राण सूचक, ठीक है। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अब आप लोग बोल रहे होंगे भैया वो वाला क्वेश्चन तो बता दो जो शुरू में बताया था, तो मैं बिल्कुल बताऊंगा वो। चलो तो उस लास्ट क्वेश्चन को और एक बार हम देख लेते हैं, ठीक है, फिर खत्म करते हैं, ठीक है, लास्ट टॉपिक, ठीक है, लास्ट टॉपिक इंडिकेटर का, लास्ट टॉपिक किसका? इंडिकेटर का लास्ट टॉपिक, फिर इसके बाद इंडिकेटर खत्म हो जाएगा, फिर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन सुन लो ध्यान से, ठीक है, बाद में ये मत कहना कि हमें क्वेश्चन समझ में नहीं आया, ध्यान से सुनना क्वेश्चन। क्वेश्चन में ये दिया गया है, तीन टेस्ट ट्यूब है आपके पास, आपके पास कितने टेस्ट ट्यूब है? तीन टेस्ट ट्यूब है, ध्यान से देखना। एक में एसिड है, एक में बेस है, समझने की कोशिश करना, थोड़ा सा अच्छे लेवल का है, ठीक है, और एक में क्या है भाई? सॉल्ट है। एक में अम्ल है, ओ सॉरी गलत बोल दिया मैंने, एक में
एसिड है, एक में बेस है, एक में सॉल्ट है, ये तो पक्का मुझे पता है, लेकिन किस में एसिड है, किस में बेस है, किस में सॉल्ट है, ये मुझे नहीं पता। अब जब मुझे पता ही नहीं है तो मैं इसको नाम दूंगा ए, इसको नाम दूंगा बी, इसको नाम दूंगा सी। मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। प्यारे बच्चों, मेरे पास एसिड भी है, बेस भी है, सॉल्ट भी है, किस में, इन तीनों में। लेकिन किस में एसिड है, किस में बेस है, किस में सॉल्ट है, किस में अम्ल है, किस में क्षार है, किस में लवण है, मुझे कुछ नहीं पता। ठीक है, बस मुझे इतना पता है कि इन तीनों में अलग अलग चीजें हैं। एक का एसिड होगा, एक का बेस होगा, एक का सॉल्ट होगा, तीनों में से किसी एक में है, एक अलग अलग सेपरेट चीज। अब बात आती है ये कि मैं पहचानूं कैसे। ठीक है, और ऊपर से उन्होंने ये भी बोल दिया कि सूंघना नहीं है। ठीक है, चलो सूंघ के अगर मैं पता लगा पाता तो मैं हो जाता, लेकिन उन्होंने सूंघने से भी मना कर दिया। तो हमने कहा चलो भाई ठीक है, करते हैं कुछ। तो हुआ क्या, तो उन्होंने कहा कि एक काम करो आप ना, हमसे कोई सा भी एक लिटमस पेपर ले लो, कोई सा भी एक लिटमस पेपर ले लो। तो बच्चों मैंने कहा कि एक काम करो, मुझे ना रेड लिटमस पेपर दे दो। ठीक है, आज जरूरी नहीं है रेड ही लो, आप ब्लू लिटमस पेपर भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब होगा क्या देखो, मैं बताता हूं आपको, पहले मैं ये समझाता हूं। ठीक है, मैंने कौन सा लिटमस पेपर ले लिया, रेड ले लिया। अच्छा, अब देखो बच्चों होगा क्या, अब मैं इस रेड लिटमस पेपर को ना एक एक करके डुबाना शुरू करूंगा। एक एक करके क्या करना शुरू करूंगा, डुबाना शुरू करूंगा। तो देखना जरा होगा क्या। प्यारे बच्चों, जैसे ही रेड लिटमस पेपर को मैंने सी में डुबाया, ठीक है ध्यान से देखना, जब मैंने सी में डुबाया तो सी के अंदर क्या आया, नो चेंज। सी के अंदर क्या आया, नो चेंज, मतलब रंग में कोई परिवर्तन नहीं। ठीक है, नो चेंज का मतलब कोई परिवर्तन नहीं, कोई परिवर्तन नहीं, सी के अंदर डुबाने पे कोई चेंज नहीं आया। ठीक है, लेकिन जब मैंने निकाल के इसको दोबारा अब बी में डुबाया तो मैं क्या देख रहा हूं कि भाई बी में डुबाने की वजह से ये ब्लू कलर का हो गया। बी में डुबाने की वजह से ये कैसे कलर का हो गया, ये ब्लू कलर का हो गया। रेड लिटमस पेपर कैसे कलर का हो गया, ब्लू कलर का हो गया, नीले रंग का हो गया, नीला हो गया। तो इसका मतलब क्या है, ये बात तो मेरे को पता चल गई कि बी कौन है, बेस। बी कौन है, बेस। क्यों, क्योंकि बच्चों जब रेड लिटमस पेपर ब्लू हो जाता है तो वो कौन होता है, बेस होता है। कब सीखा था, अभी बिल्कुल शुरुआत में। ठीक है, तो भाई इतना तो पता चल गया मुझे कि बी कौन है, बेस है। बी कौन है, बेस है। अब बात यह आती है, अब बात यह आती है कि या तो ए में एसिड है या तो सी में एसिड है, या तो ए में एसिड है या तो सी में एसिड है, और एसिड है किस में और सॉल्ट है किस में, मुझे नहीं पता। ठीक है, चलो मैंने बी का तो पता लगा लिया, क्यों, क्योंकि रेड लिटमस पेपर डुबाया नीला हो गया, भाई मेरा काम खत्म। लेकिन सी में डुबाने पे भी नो चेंज आएगा, सही बात है। देखो क्यों, क्योंकि ब्लू लिटमस पेपर, ये रेड लिटमस पेपर जो है वो तो कलर सिर्फ किसके साथ चेंज करता है, बेस के साथ। मेरी बात को ध्यान से सुनना कि ये जो रेड लिटमस पेपर है ये तो कलर सिर्फ बेस के साथ चेंज करता है, सॉल्ट के साथ और एसिड के साथ तो चेंज करता ही नहीं है, तो फिर हम पता कैसे लगाएंगे। तो लो जी, हम पता लगाएंगे। क्या पता लगाएंगे कि प्यारे बच्चों मेरी बात को ध्यान से सुनना, जब आपने रेड लिटमस पेपर इसमें डुबा दिया, जब आपने रेड लिटमस पेपर इसमें डुबा दिया तो डुबाने के बाद ये कैसे रंग का हो गया, ब्लू कलर का हो गया। तो मान लो आपने अगर यहां तक इसको डुबाया है तो ये पूरा ब्लू हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, जल्दी बताओ मेरे को फटाफट। हाँ भाई, कि जब मैं इसको यहां डुबा दूंगा इसमें बी वाले में, तो जितना हिस्सा डुबाऊंगा उतना हिस्सा तो ब्लू हो जाएगा ना। क्यों हो जाएगा ब्लू, क्योंकि वो बेस हो गया। क्यों हो जाएगा वो ब्लू, क्योंकि वो बेस हो गया। अब क्या करेंगे हम, अब क्या करेंगे हम, अब देखो, अब पता क्या करना, अब हम खेलेंगे तेजी, अब हम थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, माइंड लगाएंगे और साइंस के बंदे बन के इसका काम कर देंगे। कैसे, अब एक बार बताओ भाई, मुझे इतना बताना, ये पेपर कौन सा था, रेड। पेपर कौन सा था, रेड, सही बात है। और जितना हिस्सा हमने बेस में डुबाया उतना हिस्सा तो नीला हो जाएगा, अब बाकी हिस्सा क्या पड़ा रहेगा, रेड, सही बात है कि नहीं, जल्दी बताओ भाई। जितना हिस्सा हम लोगों ने बेस में डुबाया वो तो नीला हो गया, ब्लू हो गया, और जो नहीं डुबाया वो रेड हो गया। तो भाई ये ब्लू हुआ क्यों, क्योंकि इसके ऊपर क्या चढ़ गया है, बेस। ये ब्लू क्यों हो गया, क्योंकि इसके ऊपर क्षार चढ़ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस ब्लू वाले हिस्से को
फ्रंट पे रखेंगे। अब हम फ्रंट पे किसको रखेंगे? ब्लू वाले हिस्से को फ्रंट पे, ठीक है। अब पता क्या करेंगे, और ब्लू वाले हिस्से को इसमें डुबाएंगे, ब्लू वाले हिस्से को सी में डुबाएंगे। इस ब्लू वाले हिस्से को किसमें डुबाएंगे? सी में। और सी में डुबाने पर ध्यान से देखना, सी में डुबाने पर इसका कलर चेंज हो गया। अगेन सी, सी में डुबाने पर कलर चेंज हो गया। और ये चेंज जो हुआ, परिवर्तन जो हुआ, क्या हुआ कि ये ब्लू कलर वापस रेड में आ गया। ब्लू कलर वापस किस में आ गया? रेड में आ गया। ध्यान से सुनना मैंने क्या बोला कि ये ब्लू कलर जो है, ये ब्लू कलर जो है वापस किस में आ गया भाई? वापस रेड में आ गया। किस में आ गया? वापस रेड में आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब ब्लू कलर वापस रेड में आ गया है तो ब्लू से रेड में कौन चेंज करता है? ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर में कौन चेंज करता है? एसिड। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई ये जो सी है वो कौन है? एसिड है, अम्ल है। तो बस बात खत्म। अगर बी बेस है और सी एसिड है तो ये अपने आप तीसरा ये कौन होगा? सॉल्ट होगा। क्या होगा? लवण होगा। इसका टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब तीन में से दो पता चल गया तो तीसरा ऑब्वियस सी बात है, कुछ और ही होगा, ठीक है। तो बी बेस निकला, सी एसिड निकला, और ए क्या निकला? सॉल्ट। तो इस तरीके से बच्चों हमने ये अपना प्रैक्टिकल खत्म कर लिया है। ये प्रैक्टिकल की मैं गारंटी दे सकता हूँ आपको, स्कूल में भी शायद ना कराएं, ठीक है, लेकिन एक बात तो है, ये बच्चे को खुद ही अंडरस्टैंडिंग रखनी पड़ेगी। इन सब चीजों की अंडरस्टैंडिंग बच्चे को खुद ही रखनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, अंडरस्टैंडिंग नहीं भी रख रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं हूं तुम्हारे साथ, ठीक है। मैंने यहाँ पे ये करा दिया है, ठीक है। अच्छे से डिटेल में इसको देखो, और अभी सिर्फ इसको समझना है, वीडियो को दो तीन बार देखना है। इसके बारे में डिस्क्रिप्शन अगली क्लास की शुरुआत में ही मैं आपको लिखवा दूंगा। मेरी बात समझ रहे हो, ठीक है। तो अभी फिलहाल इसको, इस वीडियो को दो तीन बार देखो, देखने के बाद समझो, फिर इसका डिस्क्रिप्शन मैं अगली क्लास में लिखवा दूंगा, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में मैथ की, ठीक है, जो कि कल होगी, ठीक है, बाय।